एंड जय हिंद बच्चों। बच्चों, बिहार काउंसिल ऑन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी पटना द्वारा बच्चों के लिए एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में बताओ, ये कब से फॉर्म भरा जाएगा। ये इसका जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा लिया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु कक्षा 7, 8 और 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आयोजित हो रहा है। कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं बच्चों। देखिए, विज्ञान में रुचि लगभग हर एक बच्चे को होती है। जो भी बच्चों ने राष्ट्रीय आय सह मेधाधारी छात्रवृत्ति परीक्षा दी है वो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें कई इनाम भी मिलने जा रहे हैं। आइए इसको ध्यान से हम लोग पढ़ें। तो आपको पता है ये सर सीवी रमन जी के उस पे ही हम लोग साइंस डे मनाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये परीक्षा का नाम है, सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंसेस 2023। परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की तिथि, ये देखिए दिनांक 20 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक ये होगा, ठीक है। दूसरा है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि जो है दिनांक 10 से 12 फरवरी 2023। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है वो आपकी 17, 18, 19 और 20 फरवरी 2023 को होगी। देखिए, अलग अलग कक्षाओं का है तो अलग अलग दिन बटा हुआ है, ठीक है। और जो परीक्षा के परिणाम की घोषणा जो है वो 24 फरवरी को हो जाएगी। अब देखिए कहाँ करना है ये मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, statebihar.gov.in dstcitizenhome.html पर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मोबाइल पर ये काम नहीं करेगा, आपको कंप्यूटर या साइबर कैफे पे जाके लैपटॉप पे ही ये कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए, परीक्षा के आयोजित कहाँ होगी, ये सभी आयोजन राज्य के सभी जिलों में कराया जाएगा, तो आप परेशान ना हो कि आपके जिले में नहीं होगा, सभी जिले हैं, सभी में कराया जाएगा। और देखिए, राज्य स्तर के 10 टॉपर को लैपटॉप मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, जो हो गए भाई टॉपर तो आ गए, बाकी जिले स्तर के बच्चों का क्या, जिले स्तर पर चयनित छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो बच्चों, आप एकदम जम के तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। और देखिए, ये जो डिटेल है परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए ये साइट पे आपको जाना, यही चीज दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम की तिथि में परिवर्तन की जा सकती है, जिसकी सूचना समाचार माध्यमों तथा वेबसाइट के जरिए दे दी जाएगी। तो जो भी बच्चे हैं, मैं कहूंगा सभी बच्चे इस फॉर्म को भरें, क्योंकि देखिए निःशुल्क इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, सर सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सभी बच्चे दें। और मेरे जो राष्ट्रीय आय के बच्चों NMMS के जो मैंने सॉल्व वीडियोस डाले हुए हैं, वो मेरा प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, विज्ञान का अलग है, ठीक है, गणित का अलग है। तो आप विज्ञान वाले क्वेश्चंस को अलग से देख सकते हैं, जिसमें मैंने विधिवत आपको भौतिक विज्ञान को, रसायन को और जीव विज्ञान को, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को अलग अलग विधिवत समझाया हुआ है। तो उससे जैसे आपके इस बार राष्ट्रीय आय की मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में मेरे काफ़ी बताए हुए सवाल आए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सवाल जो मैंने वीडियोज बनाए हैं आपको काफ़ी मदद करेंगे। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में बच्चों, इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके जरिए आप वीडियोस को देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।